यस पावर तो नहीं, क्योंकि हमने काफी बार देखा था खिलाड़ी को काफी बार मल्टीपल टीम के खेलते, लेकिन फिलहाल के लिए टीम मान्या के साथ खेलते नजर आ रहे। मान्या का नाम लिया तो मान्या ने भी यहाँ पर नॉकआउट को मेरे ख्याल से कंफर्म करा, किसी और खिलाड़ी का यहाँ पर वो फ्रैग सुनिश्चित यहाँ पर कराए, यहाँ पर एक प्लेयर को फिनिश आउट कर दिया। धीरे धीरे सारी टीम एलिमिनेट होती जा रही है, 11 लौती टीम हमारे सामने बच रही है, एंड एस पावर एक एक करते हुए सारी प्लेयर्स को डीवीएस से नॉक करते जा रहे, जैसा नाम वैसा ही काम कर रहे हैं वही गन के साथ। इस बार का गेम में हाइड्रा कह सकता हूँ काफी बेहतर नजर आए पहले मैच से, बट यहाँ पर मान्या मतलब किसी को रुकने नहीं दे रहे, किसी को सर्वाइव ही करने नहीं दे रहे। क्या यहाँ पर टीम मान्या वो टीम बनेगी जो इस मैच नंबर 2 का परिणाम लेके जाती नजर आ सकती है, लेकिन एक ही ओपी तैयार बैठे थे, बट दो तरफ से दो दिशाओं से उनके ऊपर जिस तरह प्रेशर बिल्ड किया गया काफी मुश्किल, बट अभी के लिए हरकुलेन उनके ऊपर प्रेशर रहेगा, 20 के ऊपर प्रेशर रहेगा, 20 से थोड़ा संभल के रही यहाँ पर टीम मान्या। सिचुएशन है 2v4 की, निकाल दिया जाएगा, आवश्यकता शायद नहीं थी 20 इस चीज की, 1v3 क्या हरकुलेन यहाँ पर निकाल पाएंगे, फिलहाल तो देखिए स्मोक के चलते बचना काफी मुश्किल था। लेकिन अब क्या ये सर्कल को प्रायोरिटी दे रहे हैं? चलिए ऐसा लग तो रहा है। वहीं पे विंगॉट के रौनक डाउन होते हुए, हेमू डाउन होते हुए, डीबीएस मर्चेंट मान्या के साथ भिड़ गए, रौनक को करेंगे कंफर्म, डीबीएस मर्चेंट दो फ्रैग्स आ चुके हैं। मान्या भी कह रहे हैं भाई कहां चल रही है ये पार्टी, लेट्स सी क्या डीबीएस मर्चेंट अपने लिए इकट्ठा कर पाएंगे 4 के 4 फ्रैग्स। डीबीएस मर्चेंट ये कौन है खिलाड़ी, हर कोई जानता है, ये है एस पावर, ये है सोल पावर, जैसा उन्होंने कहा था, मैंने कहीं सुना था कि एस पावर के नाम में एस का मतलब है सोल, लेकिन अभी के लिए हम डीबीएस मर्चेंट ही कहेंगे। आर्टिफिशियल कवर क्रिएट कर रहे थे उस दौरान वहां पर दो खिलाड़ी नॉकआउट होते नजर आए, तो शायद माइट भी ये गलत मूव, लेकिन यहां पर टीम ओमेगा रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, बैक टू बैक वहां पर टीम। अभी देखिए कुछ देर पहले टीम ऑरेंज और टैन को एलिमिनेट करा, और अब रेकनिंग के ऊपर भी पड़ चुके हैं, पीछे 7 फ्रैग निकाल चुकी है टीम, और हो सकता है कि फिलहाल तो रुकने का नाम नहीं लेने वाले, पर दूसरी तरफ से टीम रेवेनेंट बैक टू नॉक स्ट्राइक करेंगे, रेवेनेंट इसको स्ट्राइक करेगी और टीम डॉट लाइक को एलिमिनेट करेगी। टीम मेगा साथ प्लेयर 4 डाउन होते हुए, यहां हेक्टर हेक्टर रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, राइट साइड पे प्लेयर 7 को भी टेक आउट करेंगे, पुश करते जा रहे हैं, प्रो नजर आ रहे हैं, क्या हेक्टर यहां पे अपना डीवीएस का कमाल दिखाएंगे या नहीं, धीरे धीरे बढ़ तो रहे हैं, हेक्टर बढ़ रहे हैं अपने फ्रैग्स की ओर, प्रो को भी टेक डाउन कर दिया है, और पीछे से पोटेटो भी आएंगे, क्या ये पुश होता हुआ, क्या ये वॉर कराई है, जी हाँ ड्राइव बाय कर तो रहे थे, लेकिन फिलहाल टावर ड्राइव बाय का अंडरडॉग स्टार भी डाउन होते हुए, क्योया है सामने, क्रोकला है सामने, 8-bit क्योया एंड माइटी, अब सिर्फ और सिर्फ माइटी को अपना माइट दिखाना पड़ेगा। शिकारी अगर आप देखें कहीं शिकार करने ना बैठ जाए, कुछ रैंडम स्प्रे के चलते काउंट तो जरूर हो जाएंगे यहाँ पर यू डॉग स्टार, लेकिन नियो इज अ लोन मैन वॉरियर, कहीं ना कहीं हो सकता है थोड़ा बहुत हील बैटल के लिए भी जाए, बट माइटी का रिएक्शन टाइम ऑलमोस्ट होता हुआ रह गया यहाँ पर, शिकारी को अगर अंदाजा हो चुका है कि डैमेज कम बहुत बच रखा है यहाँ पर नियो का, तो शायद ये चिकन डिनर उनके ही खाते में जुड़ता हुआ आ जरूर सकता है। पता है शिकारी थोड़ा सा पैसिव स्टैंड पे जाकर पीछे हट रहे, पर डीबीएस का फटका अगर कनेक्शन बना तो काफी मुश्किल, और जी हाँ बनता हुआ नजर आएगा, शायद दो लॉक्स आ सकते थे, बट ये गलती बहुत ज्यादा भारी पड़ेगी, एगी को भी डाउन करते हुए नियो एक एक करके एलिमिनेशन की कगार पे पहुंचा रही है टीम विंड गॉड को, टीम ओमेगा स्टेप बाय स्टेप प्लेयर्स को फिनिश किया जा रहा है, एगी सामने फिनिश होते हुए सिचुएशन को अभी बिल्कुल, और पीछे से जो एक और टीम की आपने बात करी थी, जी हाँ हम बात कर रहे थे टीम गॉडलाइक थर्ड पार्टी में अब इन्वॉल्वमेंट लेते नजर आने वाले हैं। जेली जोनाथन सामने है टीम ओमेगा, द इन्फेमस बैटल इज अबाउट टू बिगिन गाइस, ग्रेनेड्स का प्रहार शुरू हो चुका है, जोनाथन हेक्टर के बारे में बिल्कुल भी जानकारी, और देखिए जब आप एक शॉटगन में आप स्विच होते हैं तो आपकी कोशिश रहती है कि आप अपने आपके आसपास स्मोक डाल दें, पर फिलहाल अक्षत उस ट्रक के बिहाइंड पे पाए गए हैं अकेले, पीछे से कवर की कुहार जरूर लगा रहे हैं, जोनाथन को किया गया वहां पर नॉकआउट, ताजा नहीं था, पीछे से अंडर गॉड की अगर हम बात करें स्टार भी ट्राई कर रहे हैं, नियो भी कोशिश कर रहे हैं, बट अक्षत को ध्यान रखना है कुछ भी करके यहाँ पर नॉकआउट नहीं होना है, अजी गॉड बचा पाएंगे जेली को, डॉग स्टार जा तो रहे हैं, अक्षत को स्पॉट किया गया अपोलो द्वारा, अपोलो टेक्स हिम डाउन, बट सामने अंदर की तरफ यू डॉग स्टार है, गॉड भी आगे बढ़ेंगे, टीम ओमेगा स्टेप बाय स्टेप डेसिमेट होती हुई एलिमिनेट होती हुई, अक्षत को या नहीं, अपोलो 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 रिवाइवल हो चुका है, थोड़ी सी कर दी है देरी, यू डॉग स्टार दूसरी तरफ है, टीम गॉड लाइक के दो खिलाड़ी अंदर आए तो थे, जी गॉड प्रॉब्लम में फंसते हुए, जी गॉड को किया है टेक डाउन, अपोलो की जरूरत है यहाँ पे, यू डॉग स्टार सडन से नॉक करके निकल चुके हैं, लेकिन यहाँ पे आया और थर्ड पार्टी जो इंतजार करते हैं रंगटन रंग में भंग, ब्लेसिंग इन डिसगाइज फॉर अपोलो, जी गॉड को फिनिश कर दिया गया, लेकिन अब ये दो खिलाड़ी फाइट में एंगेज करते हुए और रंगटन यहाँ पे फायदा उठाती हुई।